तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे अलग घर लेके दो, मैं खुद रह लूंगी। सर देख लिया ना, लड़कियों लड़की जो होती है ना, देखो आप अब ये औकात पे अपनी आ गए ना, मारी वो बीवी और वो तुम, ठीक है, मेरे बच्चे को तुम ठुकरा क्यों रहे हो, मना क्यों कर रहे हो बार बार कि मेरे। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मतलब इन लोग की ना हद हो गई है, मतलब गुनगुन यहाँ पुलिस लेकर के आ गए। राधिका का तबीयत खराब है, वो लेटी हुई है और अचानक से ये पुलिस लेके आ जाती है, वो बेचारी हैंडल कर करके परेशान हो रही है। तो आज मैंने डिसाइड किया है ना, यहाँ पे मैंने राधिका को रखा, राधिका को मैंने बोल दिया तुम बाहर जाओ शॉपिंग करो। अभी मैंने गुनगुन को बुलाया और पुलिस वाले को बुलाया कि जो भी है भाई बैठ के क्लियर कर लो, ये जो रोज का जो मेरे घर पे जो ये लोग चिकचिकबाजी जो कर रहे हैं ना, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। इसलिए मैंने बुलाया कि आज ही जो फैसला करना है, जो DNA टेस्ट बोलोगे तुम, जो भी टेस्ट करवाना है टेस्ट करवा लो भैया, क्लियर करो, वो जाए अपना ध्रुव के घर, अब मुझे यहाँ शांति से राधिका के साथ रहने दे और जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे काम करने दिया जाए। क्योंकि बहुत मतलब ये 20-25 दिन के अंदर मेरा इतना लॉस हो गया ना, मैं आपको पूरा गिनाऊंगा तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, बस अब इसलिए कि मेरा दिमाग शांत हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। लेकिन हुआ ही नहीं, मतलब इधर मैं बाहर घूमने क्या गया, इधर मेरे घर को उजाड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो आज बुलाया हूँ, आप लोग लाइव रहो और देखते रहना, देखना कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। कौन, आ जाओ, आओ सर बैठो, मैंने आपको फ़ोन किया, आ जाओ बैठ, तुम भी आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, खड़ी क्यों, बैठ जाओ आकर के। हाँ क्या चाहती हो बताओ आप। सर इसलिए अभी मैं बुलाया हूँ कि मेरी वाइफ को पीछे में आके टॉर्चर किया जा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रही है, वो परेशान हो रही है, सोई हुई है। हाँ मेरी वाइफ, क्या हो तुम, नहीं क्या हो तुम, मेरे से तुम जो भी काम करती हो मेरे से पूछ के करती हो, नहीं मेरे घर से तुम, मेरा घर तुमने खाली, मैं कहीं भी गया तुमने घर, तो तुम घर खाली करके क्यों गए? मैंने घर खाली नहीं, तुम्हारे पापा ने किया ना, पापा ने किया ना, तो मुझे इस बारे में नहीं पता, तुम उन्हीं की, तो तुम मुझे राधिका की मम्मी ने घर से बाहर निकाला और मैं तुम्हारी मम्मी के साथ अपने घर पे गई हूँ, मुझे बस इतना पता है, समझ। जब तुम्हें कुछ बात का पता ना हो ना तो बोला मत। चलो छोड़ो पुरानी बात, छोड़ो अब क्या चाहती हो, पुरानी बात अब क्या चाहती हो, तुम्हारी वो बीवी और वो तुम, ठीक है, मेरे बच्चे को तुम ठुकरा क्यों रहे हो, मना क्यों कर रहे हो बार बार कि मेरा बच्चा नहीं है, सुनो तुम्हें एक्सेप्ट करने को ध्रुव तैयार है ना, एक्सेप्ट कर रहा है ना, मैंने उसे डिवोर्स ले लिया। नहीं तुम झूठ बोल रही हो, क्या प्रूफ है लाओ। और तुमने भी कहा था समर कि तुम्हारे से डिवोर्स हो गया। हाँ हुआ है, पहले पूछ लो आप इसके मुंह पे पूछो, शादी भी हुई है, फोटोज दिखा दूं दोबारा मंदिर की फोटोज दिखा दू, सिंदूर में तुमने यूं मांग भरी है मेरी दिखा, तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो, अब तुम क्या चाहते हो, सच बोल रही हूं तो मैं बकवास कर रही हूं। क्या कितने 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 दिन में आपने डिवोर्स करके फिर शादी कर ली, मजाक चल रहा है, मजाक ये बना रखी है मजाक, इससे आप पूछो ना। वाओ, खुद बिना मंजूरी के तुमने भी नहीं करी, खुद तुम साइन करते हो, खुद तुम शादी करते हो, मैं मना करती हूँ, वाओ। तो सर आप इससे आप क्लियर पूछो ये क्या चाहती है सर, मुझे सर इसके पास अच्छा खासा पति है, ध्रुव इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, कितनी बार बताऊं, वो इससे प्यार करता है, वो अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, अभी फोन करूंगा ना ध्रुव, अभी आके इसको ले जाने को तैयार, लेकिन इसका ये ड्रामा है। अब एक बात बताओ सर, एक इंसान एक ही लड़की के साथ रहेगा ना, तो तुमने दूसरी शादी क्यों करी, अरे तो मेरी चुकी थी, तुमने दूसरी शादी, तुमने ड्रामा क्यों किया, घर छोड़ के क्यों भागी थी, स्टार्टिंग में ड्रामा करने से तुम दूसरी शादी कर लोगे, अब राधिका भी घर छोड़ के भागेगी, तुम तीसरी शादी, वो नहीं भागेगी, वो नहीं भगती, हाँ वो नहीं भगती, वो मेरे हिसाब से रह रही है, तुम मेरे हिसाब से नहीं रहती हो, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनती हो, मैं ओवर स्मार्ट नहीं, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है, तो इसलिए तुमने झूठ बोल दिया, मैं कोई झूठ नहीं बोला, मेरे हम दोनों की कभी शादी नहीं हुई, हम दोनों तो मैं क्या गारंटी, मैं क्या मान, तुम लोग इतना दबाव बना रहे हो भाई साहब, मैं समझ दबाव क्या, नहीं बना, अच्छा अगर तुम्हें ठीक है, चलो एक बात बताओ मैं कैसे मान लूं कि मेरा ही बच्चा, तुम तो ध्रुव के साथ भी जा करके रही हो, मैं कैसे मान लूं, समर तुम इतना चेंज हो गए, मतलब हाँ जो यही समझो, मेरे घर का तुम लोग जो हाल किया है ना, वहाँ छोड़ के जो मुझे आना पड़ा, उसमें मेरा कोई तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा भाई खुलेआम बोलता है हम लोगों ने किया है, तो मेरा उसमें हाथ नहीं, मुझे नहीं पता उस बारे में, मैं अपने घर पे रह सर, क्लियर बात ये है कि इससे आप इसको क्लियर बोलो कि ये मेरे से दूर रहे, ये बहुत ड्रामा हो गया, इसके माँ बाप, इसका बाप और इसका भाई दोनों मुझे धमकी देता है हमेशा, बोला बोला या तो बेबी प्लान करने की सोचनी नहीं थी तुमको, ठीक है तुम्हें बेबी से इतनी प्रॉब्लम है, बेबी जब आ जाएगा दुनिया में मुझे दे दे, क्यों दूं मैं तुमको, क्यों दूं मां, तो तुम, मैं हूं ना उसकी, तुम अब तो भाई तुम चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, देख रहे हो आप खुद बेबी लेने के लिए बोल रहे हैं ना, जब बच्चे को रख सकता है तो इन्हें रखने में क्या हर्ज है, मैं कैसे रखूं इसको, इसके इसके पीछे जब देख तू रख रहा है बच्चे को, तो खुद कह रहा है
मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बोल रही है कि उस बच्चे का क्या होगा, कोई नहीं रखेगा। मैं बोल रहा हूँ जब कोई नहीं, वैसे ध्रुव तैयार है इस बच्चे को रखने को। मुझे भी नहीं था ना, आप समर के साथ क्लियर है, कोई नहीं समर, ठीक है ओके, मैं अपना बच्चा खुद रख लूंगी, कोई नहीं, तुम राधिका के साथ खुश रहो। नहीं तो ड्रामा क्यों कर रही हो, बार बार पुलिस लेके क्यों आ रही हो? समर मुझे दुनिया में अकेले रह लूंगी, समर तुम खुश हो ना राधिका? हाँ ठीक है, बट झूठ मत बोलो कि मेरा बच्चा नहीं है, मैंने शादी। तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे अलग घर लेके दो, मैं खुद रह लूंगी। सर देख लिया ना, लड़कियों लड़की जो होती है ना, देखो आप अब ये औकात पे अपनी आ गए ना, अब इसको घर चाहिए, अलग से घर चाहिए। तो मैं कहाँ रहूँ ये बताओ, मेरे घर वाले मुझे कब तक रख लेंगे? ध्रुव क्यों नहीं रखेगा? ध्रुव मैं बात कर लूँ, मैं बात कर लूँ उसके साथ, रहना ही है, क्यों रहूँ मैं? जब हमारा शादी के बाद कुछ भी हुआ नहीं है, कुछ भी हमारा अटैचमेंट नहीं हुआ, क्यों रहूँ मैं उसके साथ? बहस करोगे, बहस करने में कोई फायदा तो है नहीं। अब ये केस को पूरा कोर्ट में ही लेके चलते हैं। समय मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और सबको सबकी पेशी कराएंगे वहां पर, और डीएनए टेस्ट कराएंगे। समर अगर तेरा होगा तो तेरे को इसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, लेकिन सर हाँ सर मैं राजी हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी बात होगा आप थाने बुलाओ, मेरा नंबर हमेशा ऑन है, थाने बुलाओ, वहां घर को कटघरा ना बनाया जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब बनता है, जब तू यहाँ पर अवेलेबल एक बार एक फोन पे नहीं आता है तो यहाँ मजबूरन पुलिस को आना पड़ता है। सर मेरे पास आप छोड़ो, मुझे नहीं रहना, छोड़ो मुझे रहना ही नहीं है, मैंने डिसीजन ले लिया। मुझे जब नहीं रहना था तो आपको फिर पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत? सर मुझे सारी पूछनी थी ना, सारी चीजें, समर कैसे मना कर सकता है मेरे बच्चे को, जब ये हम दोनों का ही बच्चा ही, दोनों के दोनों साफ मना कर रहे हैं। आप खुद बताओ राधिका को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है मेरे से, क्योंकि समर का बच्चा जब भी होती है ना, अभी खुद मुंह पे साफ मना कर रहे हैं आप सब लोगों। तो तुम क्या चाहती हो? आप कुछ भी नहीं चाहती, मैं तुम्हें अलग घर चाहिए ना? नहीं चाहिए मुझको, आप ठीक है खुश रहो, मैं अकेले रह लूंगी, जैसे रहना होगा, अब आना मत मेरे पास बिल्कुल भी, ना मैं बच्चे से मिलने। ठीक है नहीं आऊंगा, तुम्हें भी जो करना, तुमने भी बहुत ड्रामा दिखा लिया, दिख रहा है। अगर तुम इतनी वफादार ईमानदार रहती ना, तुम इतने वफादार ईमानदार होते ना, मुझे बता के जाते तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे। तुम मेरे पीछे में की तरह रो रही थी, अच्छा पीछे में तुम घर खाली कर दी, सब कुछ कर दिया, तुम्हें जरा भी रियलाइज नहीं हुआ कि हम यही रहे? मैंने नहीं किया, मतलब तुम्हारे घर वाले भी गायब हुए? मतलब गायब नहीं हुए सर, मुझे नहीं पता। और ये भी वहां से खाली करके आ गए, मतलब पूरे कानून की धज्जियां उड़ा रखी हैं। इसको भी बोला था कि जब तक तेरे पे केस चल रहा है, जो भी तेरी प्रॉब्लम चल रही है कानून के उसमें तेरे को, और तू फिर भी तेरे को कहीं नहीं जाना बिना परमिशन के। पहले मेरी बात सुनो, राधिका की मम्मी ने मुझे और समर की मम्मी को घर से बाहर निकाला कि जाओ यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ मेरी सिर्फ लड़की रहेगी। तो हम दोनों, मैं अपनी मम्मी के घर गई हूँ, उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में कि क्या हुआ। और मैं तो खुद समर को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही थी, और समर वहाँ पे तुम गुलचर उड़ा रहे हो राधिका के साथ, वाओ। बता ही देते कि मैं राधिका के साथ घूमने जा रहा हूँ, कम से कम टेंशन तो नहीं लेती मैं इस हालत में। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो तुम राधिका के साथ। हाँ तो ठीक है, जैसा तुमने कारनामा किया है ठीक है, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं हुआ, ठीक है कोई, जैसा तुम कर रही हो वैसा भुगत रही हो, ठीक है कोई नहीं। हाँ तो इसमें मैं कहाँ से दोषी हो गया? मुझे राधिका कहाँ गई है? राधिका बीमार है, उसकी तबीयत खराब है, वो सो रही है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। जो भी पूछताछ करना है डिस्टर्ब तो सबको होना पड़ेगा, जब उसका कोई लेना ही, जब उसका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर लेना देना नहीं है, फिर भी वो इतना बोलती है और झूठ पे झूठ। सर दोनों झूठ पे झूठ बोल रहे हैं इतना। ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे। सर आप जांच करवाओ, जांच करवाओ, जो होगा ठीक है ना। इसको हमेशा फिर जिंदगी भर लगेगा कि मैं झूठा हूँ, मुझे लगेगा ये झूठी है। समर तुम हो, जांच तो खैर नहीं, मैं नहीं हूँ जो, ठीक है तो एक बार तो जांच हो जाएगा। मैं कहाँ डिप्रेस किया मुझको एक बार बताओ, जब मैं तो ध्रुव के आती, मैंने तुमको कहाँ डिप्रेशन में डाला? तो उसके बाद तो तुम आके यहीं रह रही थी, तो मैं कहाँ बोला, मैं कहाँ बोला कि मैं डिप्रेशन में? तुमने बोला उस पेज पे लिख के गए, मैं कोई पेज वेज पे लिख के नहीं गया, जिसने भी लिखा लिखा, मैंने नहीं लिखा। अपनी बीवी को तुम बचा रहे हो, फिर तो उसने लिखा होगा सब कुछ, उसको तुम बचा रहे हो कि उसने कुछ किया नहीं, वो तो मासूम है।